सावन का महीना और ऐसे में हरिद्वार से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक कांवड़ियों पर शिव भक्ति चढ़ी हुई है, लेकिन दिल्ली के अंदर क्या इंतजाम शिव भक्तों के लिए किए गए हैं? रेवेन्यू मिनिस्टर आतिशी है। आतिशी जी, हर बार एक प्रॉब्लम होती है दिल्ली के अंदर, तो ट्रैफिक की समस्या, दूसरा बारिश में भी कांवड़ियों को काफ़ी परेशानी होती है, उसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं? लेकिन जो कांवड़िए आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे टेंट में खड़े हुए हैं, और हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं आ रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी बारिश चल रही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट किया है कि जो कांवड़िए दूर से आते हैं, पैदल चल के आते हैं, बिना चप्पल जूते के चल के आते हैं एक पुण्य के काम के लिए, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए जो भी सेवा की जा सके वो हम करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, इस टेंट में एक हिस्से में डाइनिंग हॉल का अरेंजमेंट है, जो यहाँ पर समितियाँ हैं, कांवड़ समितियाँ वो अरेंजमेंट करती हैं खाने का। एक हिस्से में कांवड़ियों के रेस्ट का अरेंजमेंट होता है, टॉयलेट्स का, पीने के पानी का, नहाने का, और डॉक्टर्स का भी अरेंजमेंट होता है, क्योंकि अक्सर खासकर के उनके पाँव में इंजरीज हो जाती हैं पैदल चलने की वजह से, तो डॉक्टर्स का भी अरेंजमेंट, फर्स्ट एड किट्स का भी अरेंजमेंट इन सब कांवड़ शहर में किया। क्या कोई इस तरीके की समिति बनाई गई है, क्योंकि जब हरिद्वार से कांवड़ लेकर कांवड़ियाँ चलते हैं, तो जैसे ही यूपी से, यानी कि गाजीपुर से या फिर दिलछात्र से दिल्ली में एंट्री करते हैं, तो वहाँ पर कितने टेंट बनाए गए हैं, क्या कोई ऐसी समिति बनाई गई? सो बेसिकली पूरी दिल्ली में 200 ऐसे टेंट लगाए गए हैं, जो अलग अलग समितियाँ हैं, कांवड़ समितियाँ, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके टेंट लगाए गए हैं, और जैसा मैंने कहा, हर साल आवश्यकता के अनुसार इन समितियों को बढ़ाया जा रहा है। मतलब कि अगर जरूरत पड़ी तो ये टेंटों की संख्या भी बढ़ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो टेंटों की संख्या बढ़ सकती है, जरूरत पड़ी तो अगले साल और समितियां भी जोड़ी जा सकती हैं जहां पे हम कांवड़ यात्रा की आयोजन। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांवड़ियाँ जो हैं वो अब हरिद्वार से जल लेकर चल पड़े हैं, और इस तरीके की तैयारी पूरी दिल्ली के अंदर की गई है, दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग तरीके जो वाटरप्रूफ टेंट हैं वो लगाए गए हैं, ताकि कांवड़ियों को कोई समस्या ना हो। नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।